क्या इस्तेहाज़ा वाली ख़वातीन एतकाफ़ बैठ सकती हैं? हैज़ और नफास के अलावा अगर किसी और वजह से खून आ रहा हो तो ऐसी सूरत में मजबूरी की वजह से इजाजत है। ऐसी हालत में सारी इबादतें हो सकती हैं। सिर्फ एक पाबंदी है, हर नमाज के लिए नया वुजू कर लें। ऐसी मजबूरी को इस्तेहाज़ा कहते हैं। सईदा उम्मे हबीबा को इस्तेहाज़ा की शिकायत थी। आपने उन्हें हुक्म दिया था कि हैज के दिनों का इंतजार करो, फिर गुसल करके नमाज पढ़ो, फिर अगर कोई चीज महसूस हो तो वुजू करो और नमाज पढ़ो। यह अबू दाऊद की किताबुस्सलात की रिवायत है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा आपकी किसी बीवी ने एतकाफ किया, हालांकि वो मुस्तहाजा थी, खून को खारिज होते हुए देखती थी, फिर वो अक्सर अपने नीचे खून की कसरत की वजह से तश्त रख लिया करती थी। बुखारी की 2037 नंबर रिवायत से पता चलता है। और इस्तेहाज़ा की बीमारी एतकाफ को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये नमाज को नहीं रोकती न तवाफ को रोकती है। इब्ने कुदामा ने अल-मुग़नी में वॉल्यूम 4 पेज 488 पर इसके बारे में तहरीर किया। हैज और नफास की हालत में, नापाकी की हालत में एतकाफ नहीं हो सकता। जैसे नमाज नहीं हो सकती, जैसे रोजा नहीं हो सकता, ऐसे ही एतकाफ भी नहीं हो सकता। अगर एतकाफ की हालत में कोई नापाक हो जाती है तो एतकाफ खत्म। अल्लाह ताला ने इतनी ही तौफीक दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हायजा और जुनबी के लिए मस्जिद को हलाल नहीं करता। इब्ने खुज़ैमा की रिवायत है।